इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं मदर प्रॉमिस, मदर डेयरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। चले रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों का। रामलला के दर्शन को लगी कतार टूटने का नाम नहीं ले रही। न्यूज एजेंसी एनआई के अनुसार दोपहर 3 बजे करीब 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। प्रशासन का कहना है कि अभी करीब 2 लाख श्रद्धालु और दर्शन कर सकते हैं। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मंदिर परिसर में मौजूद हैं। भक्तों को सुचारू दर्शन सुनिश्चित कराने के लिए 8,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात। यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार स्थिति पर नजर रखने के लिए राम मंदिर के अंदर ही मौजूद। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना की घोषणा की है, जिसके तहत सरकार 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगवाने में मदद करेगी। इसको लेकर पीएम ने एक ट्वीट साझा किया और कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा यह संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफ टॉप सिस्टम। पीएम ने कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। भारत के लिए मजबूत ग्रोथ अनुमान और पॉलिसी रिफॉर्म के चलते यहाँ का शेयर बाजार निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है, और यही कारण है कि भारत का शेयर बाजार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। दरअसल हांगकांग के स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़कर भारत ने यह स्थान प्राप्त किया है। सोमवार शाम बाजार बंद होने पर हांगकांग के एक्सचेंज पर लिस्टेड शेयर का कुल वैल्यू 4.29 ट्रिलियन डॉलर था, जबकि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड शेयरों की कुल वैल्यू 4.33 ट्रिलियन डॉलर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार विवादों में फंसती जा रही है। हाल ही में उनके कुछ कार्यकर्ताओं पर असम पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसके बाद बीते दिन राहुल गांधी पर भी असम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। दरअसल बीते दिन मंगलवार को असम के गुवाहाटी में शहर में यात्रा करने की इजाजत नहीं मिली, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में हिंसक झड़प हो गई, जिसको लेकर असम के मुख्यमंत्री ने असम के DGP को भीड़ को उकसाने के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने और उनके हैंडल पर पोस्ट किए गए फुटेज को सबूत के रूप में उपयोग करने का निर्देश दिया है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी। क्रीमी है मदर प्रॉमिस, मदर डेयरी। 13 दिसंबर को संसद में हुई सुरक्षा उल्लंघन को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद के सुरक्षा को और सख्त कर दिया है। 31 जनवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र में दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट सिक्योरिटी के अलावा अब CISF के जवानों की भी तैनाती की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बजट सत्र के दौरान संसद के अंदर आने और जाने वाले गेस्ट की सुरक्षा CISF के जवान करेंगे, और इसके लिए केंद्र सरकार ने संसद परिसर में CISF के 140 जवानों की एक टुकड़ी तैनात की है। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC वैश्विक देशों के सदस्यों के बारे में अपनी राय रखी, और इसके साथ ही UNSC में भारत की अस्थायी सदस्यता का जोरदार समर्थन किया। दरअसल बीते दिन UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने UNSC में अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व पर अफसोस जताया था। इस पर टेस्ला के CEO एलन मस्क प्रतिक्रिया देते हुए कहे कि समस्या ये है कि वैसे देश जिनके पास अधिक शक्ति है वो इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। मस्क ने आगे कहा कि सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य न होना बिल्कुल बकवास है। साथ ही उन्होंने UNSC में अफ्रीका का भी पैरवी की और कहा कि अफ्रीका को भी सामूहिक रूप से जगह मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश में दबंग अधिकारियों पर मोहन सरकार का एक्शन जारी है। उमरिया जिले में युवक को पीटने वाले CM को CM मोहन यादव ने सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवक के साथ की गई मारपीट दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल सोमवार की शाम को बांधवगढ़ CM अमित सिंह का वीडियो वायरल था, जिसमें CM और तहसीलदार के ड्राइवर को दो युवकों को डंडे से बुरी तरह पीटते हुए देखा जा सकता है। युवकों ने अधिकारियों के गाड़ी को ओवरटेक किया था, जिसके बाद अधिकारियों ने गुस्से में आकर अपने ड्राइवर से युवकों की पिटाई करवा दी। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री तक भी ये खबर पहुंची और मुख्यमंत्री त्वरित कार्रवाई करते हुए CM को सस्पेंड कर दिया।
या एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी। मसूड़ों का ख्याल ताकि आपको बार बार डेंटल प्रॉब्लम्स ना हो। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को 2 साल से अधिक समय हो गया है। रूस लगातार यूक्रेन के क्षेत्र पर हमला कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि रूस ने कीव और उसके आसपास के क्षेत्रों पर मिसाइल हमला किया है। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार रूस ने यूक्रेन के कीव और खारकीव शहर को मिसाइल से निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। इसके अलावा कई आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इसराइल और हमास के बीच बीते 7 अक्टूबर 2023 से ही युद्ध जारी है और इस दौरान इजरायली सैन्य लगातार भारी पड़ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में हमास के धड़ाके भी इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं और ऐसा ही एक हमला बीते सोमवार हमास के आतंकियों ने किया जिसमें इजरायल के 10 सैनिक मारे गए। इजरायली मीडिया का कहना है कि सैनिक सोमवार को मध्य गाजा में 2 घरों को ध्वस्त करने के लिए विस्फोटक तैयार कर रहे थे, तभी एक आतंकवादी ने पास के एक टैंक पर रॉकेट चालित ग्रेनेड डाल दिया जिसकी वजह से इजरायली सेना के 10 सैनिक मारे गए। बता दें कि इस युद्ध में अब तक 208 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे के अहंकार के कारण महाराष्ट्र का उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। शिंदे ने कहा कि हमने राज्य के लोगों के लिए उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और उन सभी परियोजनाओं को शुरू किया जो बंद थी। आज परिणाम ये है कि समर्थन लोगों का मिल रहा है और विकास लगातार हो रहा है।